विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी कार्यालय में जनपद न्यायाधीश मुकेश अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निस्तारण संधि सुलह एवं अपराध स्वीकृति के आधार पर किया गया। इस राष्ट्रीय अदालत में आपराधिक बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, सर्विस में वेतन संबंधी विवाद एवं सेवानिवृत्त लाभों से संबंधित विवाद, राजस्व वाद, पारिवारिक न्यायालय के मुकदमे एवं अन्य मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया गया। शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 39,927 वादों में से कुल 28,878 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें मोटर क्लेम से संबंधित 52, पारिवारिक वादों से संबंधित 51 वादों तथा प्री लिटिग्नेशन स्तर पर विभिन्न बैंकों से संबंधित 1,119 वादों का निस्तारण करके 80,24,424 रुपये की छूट प्रदान करते हुए 79,29,623 रुपया नकद जमा कराया गया। इस दौरान पारिवारिक न्यायालय में सुलह समझौते के आधार पर 13 जोड़ों की विदाई जनपद न्यायाधीश मुकेश प्रकाश के हाथों उपहार देकर किया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव चंचल ने बताया। तो इसका मतलब है कि आप आया हो फरवरी को आज लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि जिला गोरखपुर में लगभग 35,000 मुकदमे लगे हुए हैं और पिछली बार 25,000 के करीब हुए थे और उम्मीद है कि इस बार 25,000 का आंकड़ा पार कर जाएगा। किस तरह के मुकदमे हैं? ये बैंक रिकवरी से संबंधित हैं और MACP से हैं और मोटर एक्सीडेंट क्लेम है और कंपाउंडेबल केसेस, सिविल क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हैं और सिविल केसेस हैं। इसे डाइवोर्स नहीं वो फिर समझो ना हम सब ये लो पकड़ो, दोनों पकड़ो, चलो बैठाओ एक दूसरे को। और
चलो पहले चलो पहले चलो अब उन लोगों के आपस के विवाद थे और विवाद तो फाइल देख के ही बताया जाता है, लेकिन 10 फाइलों में अब तक सुलह हो गई है और अभी और हो सकती है, लगभग 40 मिनट में निपटेंगे। तो किस तरह से इन लोगों का आपसी सुलह समझौता से हुआ, किस तरह? मध्यस्थता करा के, बातचीत करा के, अधिवक्ता उनके उनको बातचीत किए, न्यायालय ने बात किया, दोनों के विवाद सुलझाए गए और मामला सुलह हो गया, निपट गया, दोनों साथ साथ विदा हो गया। ठीक सर। जिला एवं विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कि 6,665 मुकदमे जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा निस्तारित किए गए तथा डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर की तरफ से टोटल मुकदमे 28,119 का निपटारा किया गया। क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस 6,208 का निस्तारण किया गया है। NI एक्ट किए गए हैं 74, 3 बैंक रिकवरी हैं, MACT के 52, इलेक्ट्रिसिटी बिल के 82, वाटर बिल्स का कोई नहीं हुआ है। मैट्रिमोनियल केसेस 51 का निस्तारण किया गया तथा सिविल केसेस 195 का निस्तारण किया गया है। लोक अदालत के माध्यम से लोग आपस में अपने सुलह समझौते के आधार पर मुकदमों का निस्तारण कराते हैं तथा इसमें जो सिविल के मुकदमे होते हैं उसमें जो कोर्ट फीस न्यायालय द्वारा लगाई जाती है वो वापस की जाती है और इसकी ना कोई अपील होती है ना ही कोई रिवीजन होता है। इसमें आपसी सुलह समझौते के आधार पर लोग अपने मुकदमे निपटा सकते हैं, तो इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि सस्ता एवं सुलभ न्याय मिल जाता है। लोग जो सालों साल कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं जिसमें पैसे की और समय की दोनों की ही बहुत बर्बादी होती है, उससे बचा जा सकता है। तो लोक अदालत पिछली बार की अपेक्षा अधिक सफल हुई है और ये हमेशा सफल होती रहेगी। इसके लिए मैं जनपद गोरखपुर की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।